He would see the Taj Mahal. अब देखो क्या गलती है इस सेंटेंस में. आपको सबसे पहले तो यह देखना चाहिए कि इफ से शुरू हो रहा है. मैंने कहा था कि बिफोर से शुरू हो चाहे इफ से शुरू हो, सेंटेंस का जो जिस सेंटेंस के जिस पार्ट में बिफोर या इफ का प्रयोग होगा, और भी हैं पर अभी दो ही बताए हैं मैंने, सेंटेंस के जिस पार्ट में बिफोर या इफ का प्रयोग होगा, सेंटेंस के उस पार्ट में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा. और प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए गो में ईएस जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपका शुद्ध सेंटेंस बनेगा इफ ही गोज टू आगरा. और एक बात यह भी है कि इस पार्ट में कभी भी विल नहीं आ सकता है. सेंटेंस के जिस पार्ट में सबॉर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, यानी इनका प्रयोग हुआ है, यह सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है जो मैं ऊपर लिखवा रहा हूं. सेंटेंस के जिस पार्ट में सबॉर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, उस पार्ट में विल का प्रयोग भूल के भी नहीं करना चाहिए. उसमें हमेशा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये वाला शुद्ध हो गया आपका कि इफ ही गोज टू आगरा, यहां तक तो शुद्ध है. अब यह गलत आ गया क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है तो उधर फ्यूचर सिंपल का होगा और वहां केवल और केवल विल आएगा, वुड नहीं आ सकता. शुद्ध क्या बना? शुद्ध ये बना, बोल के बता रहा हूं, इफ ही गोज टू आगरा, अगर वो आगरा जाता है, ही विल सी द ताजमहल, वो ताजमहल देखेगा. इसे यह भी कह सकते हैं अगर वो आगरा जाएगा तो ताजमहल देखेगा, हिंदी में जो बोलना है बोले, परंतु अंग्रेजी में इसका अनुवाद ऐसे नहीं हो सकता कि इफ ही विल गो टू आगरा ही विल सी द ताजमहल. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके ऊपर प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है. कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है वैसे, ठीक है, पर इसको टेंस के अंदर ही जो है इसका समावेश किया गया है. तो दो बातें मैंने आपको समझाई कि बिफोर आ गया, इफ आ गया, और उसी तरीके से टी का मतलब समझो बच्चों, टी आई डबल एल, टिल या अंटिल, क्या फर्क हो?